नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान केवल चर्चाओं से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए घर घर में व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए विश्व बैंक के कार्यक्रम मेकिंग इट पर्सनल हाउ बिहेवियरल चेंज कैन टैकल क्लाइमेट चेंज को संबोधित करते हुए ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने इस विषय के साथ अपने व्यक्तिगत जुड़ाव को स्वीकार किया और इस बात पर खुशी जताई कि यह एक वैश्विक आंदोलन बन रहा है। चाणक्य का जिक्र करते हुए उन्होंने मामूली कार्यों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि अपने आप में इस पृथ्वी के लिए किया जाने वाला प्रत्येक कार्य अच्छा कार्य मामूली लग सकता है, लेकिन जब दुनिया भर के अरबों लोग इसे एक साथ करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हमारा मानना है कि हमारी पृथ्वी के लिए सही निर्णय लेने वाले लोग हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए लड़ाई में महत्वपूर्ण है। यही मिशन लाइफ का मूल है। इट इज ग्रेट टू सी इट बिकमिंग अ ग्लोबल मूवमेंट। फ्रेंड्स, चाणक्य अ ग्रेट इंडियन फिलोसोफर रोट दिस ओवर 2000 ईयर्स एगो। Small drops of water, when they come together, fill up a pot. Similarly, knowledge, good deeds, or wealth add up gradually. This has a message for us. By itself, each drop of water may not seem much, but when it comes together with many other such drops, it makes an impact. By itself, each good deed for the planet may seem insignificant. But when billions across the world do it together, the impact is huge. We believe that individuals making the right decisions for our planet are key in the battle for our planet. This is the core of mission life. प्रधानमंत्री ने कहा, COP27 के परिणाम दस्तावेज की प्रस्तावना भी स्थायी जीवन शैली और उपभोग के बारे में बताती है। साथ ही यह देखना आश्चर्यजनक है कि जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भी इस मंत्र को अपनाया है। The seeds of this movement were sown long ago. In 2015, at the United Nations General Assembly, I spoke about the need for behavioral change. Since then, we have come a long way. In October 2022, the UN Secretary General and I had launched Mission Life. The preamble of the outcome document of COP27 also speaks about sustainable lifestyle and consumption. And it is wonderful to see that experts in the climate change arena have also adopted this mantra. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर लोग यह समझ लें कि केवल सरकार ही नहीं बल्कि वे भी योगदान दे सकते हैं तो उनकी चिंता कार्रवाई में बदल जाएगी। उन्होंने विस्तार से बताया, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला केवल सम्मेलनों की मेज पर नहीं किया जा सकता, इस लड़ाई को हर घर में खाने की मेज पर भी लड़ना होगा। पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हियर अ लॉट अबाउट क्लाइमेट चेंज। मेनी ऑफ देम फील अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट दे कैन डू अबाउट इट। दे आर कॉन्स्टेंटली मेड टू फील दैट ओनली गवर्नमेंट्स और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैव अ रोल। इफ दे लर्न दैट दे कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, देयर एंग्जाइटी विल टर्न इनटू एक्शन। फ्रेंड्स,
क्लाइमेट चेंज कैन नॉट बी फॉट फ्रॉम कॉन्फ्रेंस टेबल्स अलोन, इट हैज टू बी फॉट फ्रॉम द डिनर टेबल्स इन एवरी होम. When an idea moves from discussion tables to dinner tables, it becomes a mass movement, making every family and every individual aware that their choices can help the planet, can provide scale and speed. Mission Life is about democratizing the battle against climate change. When people become conscious that simple acts in their daily lives are powerful, there will be a very positive impact on the environment. प्रधानमंत्री ने भारत के उदाहरणों के साथ अपनी सोच की व्याख्या की और कहा कि उन आंदोलनों और व्यवहार में बदलाव के मामले में भारत के लोगों ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान बहुत कुछ किया है. उन्होंने बेहतर लिंगानुपात, बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान, एलईडी बल्बों को अपनाने का उदाहरण दिया जो हर साल लगभग 39 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचने में मदद करता है. लगभग 7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सूक्ष्म सिंचाई द्वारा कवर करके पानी की बचत करके उन्होंने एक उल्लेख किया. The farmers of India ensured the coverage of nearly 700,000 hectares of farmland by micro irrigation. Fulfilling the mantra of per drop more crop, this has saved a huge amount of water. There are many more such examples. Friends, under Mission Life, our efforts are spread across many domains, such as making local bodies environment friendly, saving water, saving energy, reducing waste and e-waste, adopting healthy lifestyles, adoption of natural farming, promotion of millets. These efforts will save over 22 billion units of energy, save 9 trillion liters of water, reduce waste by 375 million tons, recycle almost 1 million tons of e-waste, and generate around $170 million of additional cost saving by 2030. Further, it will help us reduce the wastage of 15 billion tons of food. The global primary crop production in 2020, according to FAO, was about 9 billion tons. प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया भर के देशों को प्रोत्साहित करने में वैश्विक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है. ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन एनकरेजिंग कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड. आई एम टोल्ड दैट द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज लुकिंग टू इंक्रीज क्लाइमेट फाइनेंस फ्रॉम 26% टू 35% एज अ शेयर ऑफ टोटल फाइनेंसिंग. The focus of this climate finance is usually on conventional aspects. Adequate financing methods need to be worked out for behavioral initiatives too. A show of support by the World Bank towards behavioral initiatives such as Mission Life will have a multiplier effect. Friends, I congratulate the World Bank team hosting this event, and I hope that these meetings will come up with solution to nudge individuals towards behavior transformation. पृथ्वी पर ही जीवन है, लेकिन हाल के दिनों में जलवायु परिवर्तन से इस पर असर पड़ रहा है. जीव जंतुओं से लेकर मनुष्य तक के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं. ऐसे में वैश्विक स्तर पर इस समस्या का समाधान निकालने की
कोशिश की जा रही है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना होगा और जानते होंगे कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है। इसके ओर छोर का पता लगाना मुश्किल है। ब्रह्मांड में पृथ्वी अभी तक अकेला ऐसा ग्रह है जहां जल है, जीवन है, ऑक्सीजन है। हालांकि वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों और तारा मंडलों में जीवन की खोज में लगे हैं, पर इसके सबूत मिलने अभी बाकी है। तो हमारे खाते में फिलहाल पृथ्वी भर है। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक आज से लगभग 5 अरब साल पहले पृथ्वी वजूद में आई और इस घटना के करीब 1 अरब साल बाद यहाँ जीवन का चरणबद्ध विकास शुरू हुआ। समय के साथ ओजोन परत बनी जिसने पृथ्वी पर आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोककर इस ग्रह को जीवन योग्य बनाया। ये सिलसिला निर्बाध रहा है। आज हमारी पृथ्वी करहा रही है। इसका सुरक्षा कवच यानी ओजोन लेयर छिन्न भिन्न हो रही है। इसका पुख्ता सबूत एंटार्क्टिका के ऊपर हुआ बड़ा सा विकार है जो हेलोजन गैसेस की वजह से हुआ है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आगाह किया है कि जैव विविधता के साथ क्रूरता बरतने, प्रकृति के साथ बुरा बर्ताव करने, खनन और खुदाई को अब रोकना होगा, नहीं तो अगले कुछ दशकों में 10 लाख से अधिक पौधों, स्तनपायी पशुओं, पंछियों, रेंगने वाले जंतुओं, उभयचरों और मछलियों सहित दूसरी प्रजातियों के खत्म होने का जोखिम उठाना होगा। आशंका जताई गई है कि सन 2050 तक 10 लाख प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट में बताया गया है कि औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक काल के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा रहा है। पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान मानव जीवन के लिए खतरा है। मानव जाति केवल तभी तक जीवित रह सकती है जब हमारी दुनिया में जैव विविधता बनी रहे। भारत सरकार ने कई ऐसी योजनाएं लागू की हैं जो आज वैश्विक मानक बन चुकी हैं। भारत जलवायु पर न्यायपूर्ण व्यवस्था का एक प्रबल समर्थक है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कर ग्लोबल विजन के साथ आगे बढ़ रहा है ताकि एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड के विजन और आपदा रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में शामिल किया गया है। तो यूएनईपी के मुताबिक ये प्रयास दुनिया को नई राह दिखाने वाले हैं। भारत ने पेरिस जलवायु समझौते के तहत वर्ष 2030 तक वर्ष 2005 के मुकाबले 30-35% कार्बन उत्सर्जन कम करने का फैसला किया है। जलवायु परिवर्तन की समस्या समूचे विश्व के लिए एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है जिसके समाधान के लिए हम सभी को आगे आना होगा और एक कदम बढ़ाना होगा प्रकृति की ओर। और इसी के साथ अभी के लिए स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।